आज आगे का पढ़ते हैं। अभी कल अपन ने रेप्लिकेशन पढ़ा था, डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था और डीएनए का कॉइलिंग पढ़ा था, है ना। आज अपन पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। तो पेज नंबर 80 पे आ जाएंगे सब लोग। पेज नंबर 80 पे सबसे पहले जेनेटिक कोड। तो इट इज़ ऑलरेडी नोन दैट DNA is a master molecule of a cell that initiates, guides, regulates and controls the process of protein synthesis. ठीक है, सब कुछ वही कंट्रोल करता है DNA. To perform this complicated function, it must carry the requisite information for the synthesis of proteins. Obviously, this information has to be verily located in the DNA itself. The site for storing this information lies in the sequence of nucleotides as evidenced by Yanofsky and Sarabhai in 1964. ये NCERT में भी नहीं दिया हुआ है डेटा, मतलब NCERT में तो क्या नहीं दिया रहता है बहुत सारी चीज़ें, पर ये इसको अंडरलाइन कर लेंगे, MHCT के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम में आ सकता है अपने को। ठीक है, किसने ढूंढा है? Yanofsky एंड Sarabhai। क्या ढूंढा है? कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस में स्टोर रहती है। अबाउट 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। डीएनए मॉलिक्यूल हैज 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस टू आइडेंटिफाई दीज 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। क्वेश्चन अराइजेस देन, हाउ इज इट पॉसिबल दैट 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर इंक्लूडेड बाय 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस क्रिक, FHC क्रिक, दिस इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कोडेड लैंग्वेज क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टो है ना, छुपा हुआ, ठीक है, कोड कॉल्ड जेनेटिक कोड दैट कंटेंट्स कोड वर्ड्स। कोड वर्ड्स को बोलेंगे कोडॉन्स, ईच वन स्पेसिफाइंग स्पेसिफिक अमीनो एसिड। जेनेटिक कोड देयरफॉर इज अ कलेक्शन ऑफ बेस सिक्वेंसेज दैट करस्पॉन्ड टू ईच अमीनो एसिड। अ सिंगल नाइट्रोजन बेस इन अ कोडॉन, ठीक है, विल एनकोड फॉर ओनली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। विल एनकोड मतलब वो करता नहीं है, अगर इवोल्यूशन ने वैसा बनाया रहता तो, कि एक नाइट्रोजिनस बेस एक अमीनो एसिड को कोड करता है, ऐसा रखा रहता तो 4 ही अमीनो एसिड्स का कोड फिक्स हो पाया रहता है ना। जैसे अपन अपने मुंडी से भी तो लैंग्वेज, अपन अपनी गर्दन से, अपने सिर से, अपने सर से भी तो अपन लैंग्वेज करते हैं, मतलब जैसे हाँ या ना, अपन ने सामने की तरफ नॉडिंग किया तो हाँ, अपन ने साइड टू साइड किया तो ना, ऐसे दो मैसेजेस अपन बिना आवाज़ निकाले गर्दन की मूवमेंट से मैसेज सामने वाले को दे सकते हैं ना। तो ये बेसिकली एक कोड हो गया कि गर्दन ऊपर नीचे की मतलब हाँ बोल रहा है ये, गर्दन लेफ्ट राइट की मतलब ना बोल रहा है ये, है ना। पर इससे तुम कितने इमोशंस कोड कर पा रहे हो? सिर्फ दो ही, क्योंकि दो ही मूवमेंट्स अवेलेबल है गर्दन की। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अपन सिर्फ गर्दन की मूवमेंट से लैंग्वेज नहीं बना सकते पूरी, सिर्फ दो ही इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। वैसे ही वो क्या बोल रहा है कि अगर एक नाइट्रोजिनस बेस अगर एक अमीनो एसिड को कोड कर पाता करता अगर तो सिर्फ 4 ही अमीनो एसिड्स कोड हो पाते, उसके बाद वाले अमीनो एसिड्स का कोड ही नहीं बन पाता। बराबर है, फिर से वही लाइन पढ़ रहा हूँ। अ सिंगल नाइट्रोजन बेस इन अ कोडॉन विल एनकोड फॉर ओनली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नाइट्रोजन बेसेस विल स्पेसिफाई ओनली 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेस विल स्पेसिफाई 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। हेंस गैमो, गैमो GAMOV नहीं है वो, GAMOW है, ठीक है, जॉर्ज गैमो इन 1954 सजेस्टेड that in a codon there must be a combination of 3 consecutive nitrogen bases that will be sufficient to specify 20 different types of amino acids. ठीक है, thus there would be, ये तो NCERT में भी दिया है जॉर्ज गैमो के बारे में, thus there would be 64 different codons in the dictionary of genetic code and that each code word has to be a triplet codon. Every 3 consecutive nucleotides in DNA will constitute a triplet codon. Genetic code is a triplet code was evidenced first by Crick using frameshift mutation. However, Marshall, Nirenberg and Matthey were able to synthesize artificial mRNA which contained only one type of nitrogenous base. UUUUU, ऐसा उन्होंने poly U tail chain बनाई थी,
तो यू कोर्स फॉर यूरेसिल, तो इसमें यूरेसिल 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 चिपक के आया। दिस सिंथेटिक पॉली यू सिक्वेंस वॉज ट्रांसफर्ड टू प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स, सॉरी यूरेसिल क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, फिनाइल एलिनिन चिपक के आया, क्योंकि यू कोर्स फॉर फिनाइल एलिनिन। ठीक है, तो उन्होंने पॉली यूरेसिल की चेन बनाई, मतलब यूरेसिल 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 ऐसा आरएनए बनाया। दिस सिंथेटिक पॉली यू सिक्वेंस वॉज ट्रांसफर टू प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स, अ स्मॉल पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द लिंकिंग ऑफ फिनाइल एलिनिन मॉलिक्यूल्स, दिस एक्सप्लेन्स दैट यू कोर्स फॉर फिनाइल एलिनिन। लेटर डिफरेंट होमोपॉलीमर कोडॉन्स वर डेसिफर्ड, कोडॉन्स फॉर्म बाय टू और मोर बेसिस वर ऑल्सो ट्राइड, ये भी कोशिश की गई है, मतलब पूरा अपन ने डेसिफर कर लिया है टेबल, टेबल तो अपने को पता ही है। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, ही डिवाइज द टेक्निक फॉर आर्टिफिशियली सिंथेसाइजिंग एमआरएनए विद रिपीटेड सीक्वेंसेस ऑफ नोन न्यूक्लियोटाइड्स बाय यूजिंग सिंथेटिक डीएनए। डॉक्टर खुराना प्रिपेयर चेन्स ऑफ पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स विथ नोन रिपीटेड सीक्वेंसेस ऑफ टू और थ्री न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, एग्जाम्पल सी यू, पर सी यू को पढ़ेगा कैसे राइबोसोम, तो सी यू सी यू सी यू ऐसे पढ़ेगा। दिस रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग टू डिफरेंट अमीनो एसिड्स प्लेस्ड अल्टरनेटली, ल्यूसीन एंड सेरीन। सिमिलरली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विथ थ्री नाइट्रोजन बेस रिपीट्स गेव पॉलीपेप्टाइड चेन विथ ओनली वन अमीनो एसिड्स, एग्जाम्पल सी यू ए। लेटर सेवेरो ओकोआ एस्टैब्लिश दैट द एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज वॉज ऑल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए विथ डिफाइंड सीक्वेंसेस इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। ये तो एनसीईआरटी की लाइन है सीधा सीधा। ठीक है, बिना टेम्पलेट के आरएनए तैयार करने की टेक्निक सेवेरो ओकोआ ने डिस्कवर किया। तो हरगोबिंद खुराना और सेवेरो ओकोआ ने ऑलमोस्ट सेम ही चीज डिस्कवर की है, पर दोनों ने अलग अलग किया है, मतलब इंडिपेंडेंटली किया है, एक दूसरे के साथ नहीं किया है। फाइनली नीरेनबर्ग मैथी एंड ओकोआ डेसिफर्ड ऑल द 64 कोडॉन्स इन द डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, तो आ जाएंगे अपन अभी कहाँ पर, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 81 पे टेबल दिया हुआ है, वो टेबल तो अपने को पता ही है। फीफी लू 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 इले 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 मेट वेल 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 वेल, है ना, सर प्रो थर आला है, नो नो दिस ऑल दिस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अ न्यूक्लिक एसिड इज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड, दीज टू प्रोसेसेस आर बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंटेरिटी प्रिंसिपल। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, हियर कॉम्प्लीमेंटेरिटी प्रिंसिपल डज नॉट एग्जिस्ट। इट इज एविडेंट दैट चेंज इन न्यूक्लिक एसिड रिजल्ट्स इन द चेंज इन अमीनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन्स, दिस क्लियरली एक्सप्लेन्स दैट जेनेटिक कोड डायरेक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, चेंज इन न्यूक्लिक एसिड रिजल्ट्स इन चेंज इन अमीनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन्स, दिस क्लियरली एक्सप्लेन्स दैट जेनेटिक कोड डायरेक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। Find out what is the amino acid sequence encoded by the segment of an mRNA segment by base sequence of an mRNA segment. ये तो अपन टेबल देख के आराम से निकाल सकते हैं। Characteristic of genetic code, हाँ इसमें ज़्यादा दिया है as compared to NCERT, तो ध्यान से सुनेंगे। Genetic code of DNA has certain fundamental characteristics. Genetic code is a triplet code, पहली चीज़। Sequence of three consecutive bases constitute codon which specifies one particular amino acid. Base sequence in a codon is always in 5' to 3' direction. In every living organism, genetic code is a triplet code. ठीक है, दूसरा, genetic code has distinct polarity. Genetic code shows definite polarity, that is direction. It therefore is always read in 5' to 3' direction and not in 3' to 5' direction. अदरवाइज मैसेज विल चेंज, एग्जाम्पल 5-AUG3-, तो अगर अपन ने इसको 5-3' पढ़ा तो AUG कोर्स फॉर मिथियोनिन, लेकिन अगर अपन ने इसको 3-5' पढ़ा तो GUA कोर्स फॉर वैलिन, है ना, तो
पोलैरिटी इंपॉर्टेंट है, यही तो फिजिक्स में भी पढ़ते हो यार तुम, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, है ना। ठीक है, थर्ड, जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, दैट इज ईच सिंगल बेस इज अ पार्ट ऑफ ओनली वन कोडॉन। ठीक है, एडजेसेंट कोडॉन्स डू नॉट ओवरलैप। अरे बहुत इजी है, पर एनसीईआरटी में दिया नहीं है और मैंने समझाया नहीं था पढ़ाते वक्त, अब मेरे को टेंशन आ रहा है तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं। वैसे बहुत ही ईजी है, नॉन ओवरलैपिंग मतलब सपोज ऐसा है ए यू जी जी यू यू, ऐसा है अगर, तो ए यू जी को अपन ए यू जी ही पढ़ेंगे, ए यू जी में का जो जी है उसको आगे वाले के साथ कभी नहीं पढ़ेंगे, है ना, नॉन ओवरलैपिंग है वो। कोड इज नॉन ओवरलैपिंग दैट इज ईच सिंगल बेस इज अ पार्ट ऑफ ओनली वन कोडॉन, एडजेसेंट कोडॉन्स डू नॉट ओवरलैप, इफ नॉन ओवरलैपिंग देन विथ सिक्स कंसेक्यूटिव बेसिस ओनली टू अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स विल बी इन द चेन, हैड इट बीन ओवरलैपिंग टाइप विथ सिक्स बेसिस देयर वुड बी फोर अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स इन अ चेन। क्या बोल रहा है मेरे को इतने समझा, एक सेकंड। इफ नॉन ओवरलैपिंग देन विथ सिक्स कंसेक्यूटिव बेसिस ओनली टू अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स विल बी इन द चेन। हाँ सही है, अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया ए यू जी जी यू यू, ए यू जी मिथियोनिन के लिए कोड करेगा, जी यू यू वैलिन के लिए कोड करेगा, दो ही अमीनो एसिड लग पाएंगे क्योंकि नॉन ओवरलैपिंग है। हैड इट बीन ओवरलैपिंग टाइप विथ सिक्स बेसिस देयर वुड बी फोर अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स इन अ चेन। हाँ सही है ना, अगर ओवरलैपिंग रहता तो ए यू जी जी यू यू को अपन ने एक तो ए यू जी जी यू यू पढ़ा रहता, फिर यू जी जी अलग पढ़ा रहता, ठीक है, फिर जी जी यू अलग पढ़ा रहता, ठीक है ना, तो चार अमीनो एसिड्स कोड हो सके रहते ओवरलैपिंग रहता तो, लेकिन फिर तो पूरा गड़बड़ गड़बड़ हो गई रहती, वैसा नहीं होता है। अच्छी बात है कि वो ओवरलैपिंग नहीं है। ये पॉइंट अगर नहीं समझा होगा तो मेरे को बस एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं तुमको लिख के एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये पॉइंट अगर नहीं समझा होगा तो, बहुत ईजी है वैसे। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इज इन फेवर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग नेचर, सो नॉट अ प्रॉब्लम, ईजी है। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 82। फोर्थ पॉइंट, जेनेटिक कोड इज कॉमालेस, देयर इज नो गैप और पंक्चुएशन मार्क बिटवीन सक्सेसिव और कंसेक्यूटिव कोडॉन्स, ऑब्वियसली, है ना, वो चेन में न्यूक्लियोटाइड्स के चेन में पॉली न्यूक्लियोटाइड में से बीच बीच में गैप थोड़ी रहेगी कि न्यूक्लियोटाइड इज गायब है, ऐसा थोड़ी होगा। फिफ्थ पॉइंट, जेनेटिक कोड हैज डीजेनरेसी, यूजुअली सिंगल अमीनो एसिड इज एनकोडेड बाय सिंगल कोडॉन, हाउएवर सम अमीनो एसिड्स आर एनकोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन्स, एग्जांपल सिस्टेइन हैज टू कोडॉन्स व्हाइल आइसोल्यूसिन हैज थ्री कोडॉन्स, दिस इज कॉल्ड डीजेनरेसी ऑफ द कोड। डीजेनरेसी ऑफ द कोड इज एक्सप्लेन्ड बाय वुबल हाइपोथेसिस, हियर द फर्स्ट टू बेसिस इन डिफरेंट कोडॉन्स आर आइडेंटिकल बट द थर्ड वन वेरीज, ठीक है। वुबल हाइपोथेसिस पता है अपने को, व्हाट इज वुबल हाइपोथेसिस, कि पहले दो कोडॉन्स पहले दो न्यूक्लियोटाइड्स अगर सेम हो गए तो चल जाता है, तीसरा वाला चेंज हो गया तो भी चलता है, डजंट मैटर। हाँ ऐसा नहीं चलेगा कि पहला और तीसरा सेम है दूसरा वाला चेंज हो गया, ऐसा भी नहीं चलेगा कि दूसरा और तीसरा वाला सेम है पहला वाला चेंज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। इट स्ट्रिक्टली हैज टू बी कि पहला और दूसरा सेम है तीसरा वाला चेंज हुआ तो भी चलेगा, ठीक है। और एक बार एनसीईआरटी खोल लो या स्टेट बोर्ड होगा तो स्टेट बोर्ड खोला होगा तुमने तो स्टेट बोर्ड, मतलब बेसिकली वो टेबल पे आ जाओ जेनेटिक कोडॉन के, मैं दो मिनट मतलब मैं क्या, तुम पॉज करो वीडियो और उस पर आ जाओ, वो टेबल देख लो एक बार, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। उस टेबल में अपने को दिख रहा है, पहला ही डब्बा ले लो टेबल का, यू 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 और यू यू सी फिनाइल एलेनिन के लिए कोड कर रहा है, वेरेज यू यू ए एंड यू यू जी ल्यूसिन के लिए कोड कर रहा है। तो यहां पर क्या रहेगा ना, यहां पर फिनाइल एलेनिन के लिए अलग टीआरएनए रहेगा, ल्यूसिन के लिए अलग टीआरएनए रहेगा, रादर उनके इंडिविजुअल सबके लिए अलग अलग टीआरएनए रहेगा। तो वुबल हाइपोथेसिस के कारण
गलत अमीनो एसिड लगने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। वेयर एज उसके नीचे वाले डब्बे पे आ जाओ तो सी यू यू, सी यू सी, सी यू ए, सी यू जी, ये सबके लिए ल्यूसीन ही कोड कर रहा है। तो यहां पर एक ही टाइप का टीआरएनए रहा तो भी चल जाता है, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि तो कुछ भी करके लिए उसी नहीं लगने वाला है। ऊपर वाला जो डब्बा है उसमें अपने को चार अलग अलग टीआरएनए रहेंगे तो बेहतर रहेगा, फिनाइल एलेनिन की जगह ल्यूसिन है, ल्यूसिन की जगह फिनाइल एलेनिन लगने का चांस नहीं रहेगा, मतलब जीरो तो नहीं हो जाएगा चांस, लेकिन एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। बाकी गड़बड़ तो प्रोटीन ट्रांसलेशन के दौरान हो ही सकती है ऑब्वियसली, जैसे म्यूटेशन हो सकता है डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त, वैसे ट्रांसलेशन के वक्त भी गलती हो सकती है नो डाउट, लेकिन वो गलती एक तो चलती है पहली बात, क्योंकि एक प्रोटीन है वो, उसने कुछ गड़बड़ किया तो भी दूसरा प्रोटीन फिर से अपन बना ही सकते हैं, वो क्या परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है ना, वो परमानेंटली सेल में नहीं रहने वाला है ना वो प्रोटीन तुम्हारे। डीएनए म्यूटेशन के वक्त डीएनए में गड़बड़ हो गई तो वो डीएनए परमानेंटली रहेगा, वो तो हमेशा गलत ही मैसेज पहुंचाएगा, इसलिए प्रोटीन गड़बड़ हो भी गए तो भी उतना इशू नहीं है, और नहीं होता है जनरली प्रोटीन ट्रांसलेशन में गड़बड़, क्योंकि जैसे पहले डब्बे में अपन देख रहे हैं फिनाइल एलिनिन और ल्यूसिन के लिए यूयू स्टार्टिंग का सेम है, लेकिन फिर टीआरएनए चार प्रकार के रहेंगे सीधे सीधे, इसलिए गड़बड़ होने के चांस नहीं रहेंगे, वहां पर वुबल हाइपोथेसिस इवोल्यूशन नहीं लगवाएगा। और नीचे वाला जो है जिसमें सी यू सामने वाला तीसरा यू रहे, सी रहे, ए रहे, जी रहे, डजेंट मैटर, ल्यूसिन ही लगने वाला है, उसमें वुबल हाइपोथेसिस विल वर्क, उसमें एक ही प्रकार का टीआरएनए रहेगा, काम चल जाएगा, दो प्रकार के रहेंगे ज्यादा से ज्यादा, समझ में आ रहा है ना। इसलिए टोटल नंबर ऑफ टीआरएनए मतलब टोटल टाइप्स ऑफ टीआरएनए आर डेफिनेटली मोर देन 20 बट लेस देन 61, ठीक है, क्योंकि जैसे सीयूयू के केस में, ल्यूसिन के केस में एक या दो टाइप के टीआरएनए से ही काम हो जाएगा, स्टार्टिंग में बस जी और ए रहना चाहिए, उसके बाद जो तीसरा न्यूक्लियोटाइड है वो कुछ भी रहा तो भी चलता है, वुबल हाइपोथेसिस से काम चल जाएगा और गलत अमीनो एसिड लगने का चांस ही नहीं है, क्योंकि जिस टीआरएनए के एंटीकोडन में स्टार्टिंग में जी ए है वो कभी भी सी यू वाले ही कोडन को अटैच होगा, और सी यू अगर रहा तो उसके बाद तीसरा बेस कौन सा है मैटर ही नहीं करता, कुछ भी करके वो ल्यूसिन के लिए कोड कर रहा है, तो क्यों चार प्रकार के टीआरएनए चाहिए अपने को, एक या दो प्रकार के टीआरएनए से ही काम चल जाएगा। इसलिए कोडॉन्स भले 61 है लेकिन टीआरएनए पूरे 61 नहीं है, लेस देन 61 है बट मोर देन 20 है, ठीक है। तो कर दो, स्टेट बोर्ड की बुक अगर होगी तो आ जाओ पेज नंबर 82 पे, एनसीईआरटी होगी तो कर दो बंद, वापस स्क्रीन की तरफ देखो इफ यू डू नॉट हैव स्टेट बोर्ड बुक। कहाँ पर थे अपन, सिक्स्थ पॉइंट पे, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल बाय एंड लार्ज इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द स्पेसिफिक कोडॉन स्पेसिफाइज सेम अमीनो एसिड, एग्जाम्पल कोडॉन ए यू जी ऑलवेज स्पेसिफाइज अमीनो एसिड मिथियोनिन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम बैक्टीरिया अप टू ह्यूमंस, लेकिन बाय एंड लार्ज बोला है, इसमें छोटे छोटे भले ही 0.1% है लेकिन डिस्क्रिपेंसीज है। जैसे मैंने तुमको बताया था कि कुछ कुछ बैक्टीरिया में जी यू जी स्टार्ट कोडॉन करके एक्ट करता है विच कोड्स फॉर वैलिन, है ना, ऐसे छोटे मोटे लेकिन वो इतने कम है, उनका परसेंटेज इतना कम है कि अपन बाय एंड लार्ज जनरली उसको यूनिवर्सल कंसिडर करते हैं। सेवन पॉइंट, जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिग्वियस, एम्बिग्वियस मतलब कन्फ्यूजन, एम्बिग्विटी मतलब कन्फ्यूजन, नॉन एम्बिग्वियस मतलब नो कन्फ्यूजन, स्पेसिफिक अमीनो एसिड इज एनकोडेड बाय अ पर्टिकुलर कोडॉन, अल्टरनेटिवली टू डिफरेंट अमीनो एसिड विल नेवर बी एनकोडेड बाय द सेम कोडॉन, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन उसमें नहीं है। इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन, एयूजी इज ऑलवेज एन इनिशिएशन कोडॉन इन एनी एंड एवरी एमआरएनए, एयूजी कोड्स फॉर अमीनो एसिड मिथियोनिन आउट ऑफ 64 कोडॉन्स, 3 कोडॉन्स दैट इज यूएए, यूएजी एंड यूजीए आर टर्मिनेशन कोडॉन्स विच टर्मिनेट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एज दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट है यूनिवर्सैलिटी, यूजुअली इन ऑल ऑर्गेनिजम्स द स्पेसिफिक कोडॉन स्पेसिफाइज सेम अमीनो एसिड, ठीक है। टेंथ है कोडॉन एंड एंटी कोडॉन, कोडॉन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, एग्जाम्पल एयूजी इज कोडॉन, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज 5- एयूजी 3-, एंटी कोडॉन इज अ पार्ट ऑफ टीआरएनए, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज 3- यूएसी 5-, ऑब्वियसली एंटी कोडॉन इज पार्ट ऑफ टीआरएनए, उसको अपन 3 क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो कोडॉन को अगर अपन 5 से 3 पढ़ रहे हैं तो एंटीकोडॉन को अपने को 3 टू 5 पढ़ना पड़ेगा, एंटीकोडॉन को अपने को 3 टू 5 रहेगा वो ऑब्वियसली,
ठीक है। इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट सीक्वेंस ऑफ कोडॉन ऑन एमआरएनए बाय स्टडीइंग द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन? नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, कुछ भी बोल रहे हैं। तो इसके ऊपर तो एनसीईआरटी ने वो एक एक्सरसाइज भी कराई थी अपने को, याद है क्या? एक आरएनए का स्क्रिप्ट दिया था और बोला था कि इससे कौन से अमीनो एसिड लगेंगे बताओ, दैट वॉज ईजी। फिर एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस दिया था और बोला था कि अब इससे आरएनए डिराइव करके बताओ, तो वो अपन वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि फिनाइल एलेनिन लिखा है तो आरएनए पे यू 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 है कि यू यू ए है, अपन कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, है ना? यू 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 है कि यू यू सी है, सॉरी, अपन कैसे प्रेडिक्ट करेंगे क्योंकि दोनों भी फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करते हैं। अमीनो एसिड चेन में फिनाइल एलेनिन दिख रहा है तो आरएनए पे क्या होगा ये अपन प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। ऑप्शन दे सकते हो कि एक तो यू 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 रहेगा नहीं तो यू यू सी रहेगा, पर कंफर्म नहीं बता सकते हो, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, गलत पॉइंट बोला एकदम इसने, मजा नहीं आया इस पॉइंट में। ठीक है, राइट साइड में एक्टिविटी दिख रही है अपने को। एमआरएनए दिया है, कंसीडर गिवन एमआरएनए स्ट्रैंड व्हिच हैज अंडरगॉन म्यूटेशन एंड लॉस्ट न्यूक्लियोटाइड्स ए सी एंड जी सीक्वेंशियली, रिजल्टेंट एमआरएनए इज रिप्रेजेंटेड बाय 1, 2 and 3 विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड ऑफ अमीनो एसिड्स, एक्सप्लेन द चेंजेस इन अमीनो एसिड सीक्वेंस दैट विल अकर ड्यू टू सच म्यूटेशन। कर लो ये चीज, ये एक्सरसाइज कर लो, तुमको म्यूटेशन जब मैं पढ़ाऊंगा मेंडेलियन जेनेटिक्स में तो वो समझने में और आसानी जाएगी अगर ये एक्सरसाइज कर लोगे तो, अच्छी एक्सरसाइज है। म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड, म्यूटेशन इज अ फिनोमिनन इन विच सडन चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस टेक्स प्लेस, इट रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ जीनोटाइप दैट इज कैरेक्टर, अलॉन्ग विद रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन इज रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन एज इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और गेन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट्स इन अल्टरेशन इन द क्रोमोसोम, म्यूटेशन कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, दिस इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। वही सिकल सेल एनीमिया वाला हजार बार एग्जाम्पल देता हूँ मैं, सीटीसी की जगह सीएसी हो गया तो आरएनए पे जीएजी की जगह जीयूजी हो गया, तो प्रोटीन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन लग गया, है ना? डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए कॉजेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मैंने समझाया हुआ है, और डिलीशन म्यूटेशन, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और टू बेसेस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ थ्री और मल्टीपल्स ऑफ थ्री रिजल्ट्स इन इंसर्शन और डिलीशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अनअल्टर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। सिंपल चीज है, एकदम ही सिंपल है, नहीं समझाओ तो मेरे को पूछ लेना, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ ही है और मैंने पढ़ाया हुआ भी है रादर। ठीक है, अब आते हैं टीआरएनए पे। टीआरएनए द अडैप्टर मॉलिक्यूल, साइंटिस्ट कंसिडर दैट देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म इन विच टीआरएनए विल रीड द कोडॉन। ठीक है, टीआरएनए विल रीड द कोडॉन, अपने को आना है पेज नंबर 83 पे, एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली बाइंड विद द अमीनो एसिड एज अमीनो एसिड डज नॉट हैव एनी स्पेशल कैपेसिटी टू रीड द कोडॉन। सो टीआरएनए इज कंसिडर्ड एज एन अडैप्टर मॉलिक्यूल, दिस रोल ऑफ टीआरएनए वॉज अंडरस्टूड मच लेटर। क्लेवर लिप स्ट्रक्चर दैट इज टू डायमेंशनल ऑफ टीआरएनए पजेस एन एंटीकोडॉन लूप दैट हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन, इट इज कॉल्ड एंटीकोडॉन। इट शोज अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड हैविंग अनपेयर्ड सीसीए बेसिस, सीसीए के बारे में बताया था मैंने तुमको, उसको एसीसी नहीं पढ़ना है, सीसीए पढ़ना है, क्योंकि अपन 5 to 3 जाते हैं, क्योंकि अपन 5 to 3 जाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड है टीआरएनए, डबल स्टैंडर्ड नहीं है, वो खुद ही खुद के अराउंड कॉइल हुआ है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, इसलिए वो डबल स्टैंड दिखता है, लेकिन दो स्टैंड नहीं है उसका, एक एंड 5' है, दूसरा एंड 3' है, तो 3' एंड के एंडिंग में सीसीए रहता है, उसको एसीसी नहीं पढ़ना है, ऊपर से नीचे नहीं पढ़ना है। ठीक है, इट शोज अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड हैविंग अनपेयर्ड सीसीए बेसिस टू विच अमीनो एसिड बाइंड्स, फॉर एवरी अमीनो एसिड देयर इज स्पेसिफिक टीआरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए इज स्पेसिफिक फॉर मिथियोनिन, देर आर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन्स, इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर द टीआरएनए मॉलिक्यूल लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल। एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है वो, टर्सरी स्ट्रक्चर है ना, पहले टीआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन से, फिर वो अपने आप खुद के अराउंड फोल्ड हो जाता है, तो वो क्लोवर लीफ समान दिखता है, उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलेंगे, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हुआ, और फिर फर्दर उसको मॉडिफाई किया जाता है इनटू इन्वर्टेड एल शेप, तो वो उसका टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया,
ठीक है, तो टर्शरी स्ट्रक्चर जो है उसका इन्वर्टेड एल वाला वो राइट साइड में दिया हुआ है डायग्राम में। ओके, कैन यू रिकॉल, भी बहुत इजी है, छोड़ो। आ जाओ अभी बी, ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन इज द मैकेनिज्म इन विच कोडॉन्स ऑफ एमआरएनए आर ट्रांसलेटेड एंड स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स इन अ सीक्वेंस फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड ऑन राइबोसोम्स। ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द सेल विद इन इटसेल्फ। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स अमीनो एसिड्स, एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोम्स, एटीपी, Mg2+ आयंस, एंजाइम्स, इलोंगेशन, ट्रांसलोकेशन एंड रिलीज फैक्टर्स। पहला, अमीनो एसिड्स फॉर्म न्यू मटेरियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अबाउट 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर नोन टू फॉर्म प्रोटीन्स, दीज आर अवेलेबल इन द साइटोप्लाज्म। डीएनए कंट्रोल्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स हैविंग अमीनो एसिड्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। दिस कंट्रोल इज पॉसिबल थ्रू ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए। जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड। तीसरा, आरएनएज सर्व एज इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन। चौथा, राइबोसोम्स सर्व एज साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स। दीज सब यूनिट्स अकर सेपरेटली इन साइटोप्लाज्म। ओनली ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस दीज टू सब यूनिट्स गेट एसोसिएटेड टूगेदर ड्यू टू Mg2+ आयंस। अ राइबोसोम हैज वन बाइंडिंग साइट फॉर एमआरएनए एंड थ्री बाइंडिंग साइट फॉर टीआरएनए। दे आर पी साइट, ए साइट एंड ई साइट। मैंने बोला था ना कि राइबोसोम के ऊपर ही ई साइट भी रहती है, भले ही एनसीईआरटी ने नहीं दिखाया है, पर ये तीनों साइट्स राइबोसोम पे ही रहती है लार्ज सब यूनिट पे। ओनली फर्स्ट टीआरएनए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली एंटर्स पी साइट ऑफ राइबोसोम। ये भी मैंने बताया हुआ है कि नया टीआरएनए जो आता है नए अमीनो एसिड को लेकर वो ए साइट में जाता है, लेकिन फॉर्मिल मिथियोनिन वाला जो टीआरएनए है वो सीधा जाके पी साइट पे अटैच होता है। तभी तो दूसरे अमीनो एसिड को, दूसरे टीआरएनए को आने के लिए ए साइट खाली रहेगा ना। ये पहला वाला ही अगर ए साइट में आ गया तो फिर दूसरा वाला कहाँ जाएगा। इसलिए पहला वाला जो है फॉर्मिल मिथियोनिन का टीआरएनए वो स्पेशल टाइप का टीआरएनए है, वो ऐसा अकेला टीआरएनए है जो पी साइट में बैठ सकता है, इवन दो उसके ऊपर एक ही अमीनो एसिड है। बाकी सिंगल अमीनो एसिड लेकर जब टीआरएनए आते हैं तो वो पी साइट में फिट ही नहीं हो पाते हैं, उनको ए साइट में ही बैठना पड़ता है। फिर पी साइट में जो टीआरएनए है उसके ऊपर का अमीनो एसिड पेप्टिडिल ट्रांसफरेज से ए साइट वाले टीआरएनए पर ट्रांसफर किया जाता है, फिर राइबोसोम का ट्रांसलोकेशन होता है और फिर वो नया वाला पी के अंडर आता है। अभी उसके सिर पे दो अमीनो एसिड रहेंगे, है ना, जनरल। बाकी टीआरएनए की बात कर रहा हूं, लेकिन फॉर्मिल मिथियोनिन वाला जो टीआरएनए वो स्पेशल केस है, वो सीधा आके पी साइट में अटैच हो जाता है इवन दो वो सिंगल आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज वो बोल रहे हैं कि ओनली ड्यूरिंग, सॉरी कहां पर गया, ओनली फर्स्ट टीआरएनए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली एंटर्स पी साइट ऑफ राइबोसोम। फर्स्ट टीआरएनए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स मतलब फॉर्मिल मिथियोनिन वाला, स्टार्ट कोडॉन वाला। इन यूकेरियोट्स अ ग्रूव इज प्रेजेंट बिटवीन टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स। ग्रूव यानी गड्ढा। इट प्रोटेक्ट्स द पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम द एक्शन ऑफ सेलुलर एंजाइम्स एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स एमआरएनए फ्रॉम द एक्शन ऑफ न्यूक्लियसेस। ठीक है, इसके ऊपर असर्शन रीजनिंग बन सकता है, मतलब इसमें तो नहीं बन सकता नीट में, लेकिन एमएचसीटी में बन सकता है। अपने को एमएचसीटी भी देना है, हाँ तुमको करना एमबीबीएस ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अपियर अपने को एमएचसीटी के लिए होना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, एग्जाम तो अपने को दे ही देना है, कोई इशू नहीं है। एमएचसीटी पहले भी होती है इसके नीट के, तो रिविजन भी हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन दैट इज सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इट इन्वॉल्व थ्री स्टेप्स, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 84। इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स इज एसेंशियल बिफोर ट्रांसलेशन इनिशिएट्स, फॉर विच ATP इज एसेंशियल। स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड्स टू द mRNA एट 5' एंड। इनिशिएटर कोडॉन AUG इज प्रेजेंट ऑन mRNA विच इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इनिशिएटर tRNA बाइंड्स विद इनिशिएशन कोडॉन बाय इट्स एंटीकोडॉन UAC थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इट कैरीज एक्टिवेटेड अमीनो एसिड मिथियोनिन।
इन यूकैरियोट्स और फॉर्मल मिथियोनिन इन प्रोकैरियोट्स। नाउ द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जॉइंस विद द स्मॉलर सब यूनिट दैट रिक्वायर्स Mg2+ आयंस। ये तो अपन ने मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ा है और सेल बायोलॉजी में भी मैंने बताया था 0.01 मोलार Mg2+ कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। किसके लिए? स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट को एक दूसरे से अटैच होने के लिए। इनिशिएटर चार्ज tRNA विद एक्टिवेटेड अमीनो एसिड मिथियोनिन ऑक्यूपाइज द पी साइट ऑफ राइबोसोम एंड ए साइट इज वैकेंट। याद रखना कि ये अकेला ऐसा अमीनो एसिड है, अकेला ऐसा tRNA है जो आके सीधा पी साइट में घुसता है, बाकी कोई भी tRNA ऐसा नहीं कर सकता, सिर्फ इनिशिएटर tRNA ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो वो आके पी साइट में बैठ गया। अब क्या होगा? इलोंगेशन होगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अमीनो एसिड्स आर एडेड वन बाय वन टू फर्स्ट अमीनो एसिड मिथियोनिन। अमीनो एसिड इज एक्टिवेटेड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम ATP मॉलिक्यूल। दिस अमीनो एसिड बाइंड्स विद अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट ऑफ tRNA। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ tRNA अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स। बेसिकली चार्जिंग ऑफ tRNA की बात कर रहा है वो। एडिशन ऑफ अमीनो एसिड अकर्स इन 3-स्टेप साइकिल। कोडॉन रिकॉग्निशन, अमीनो एसिड tRNA, अमीनो एसिड tRNA, ठीक है। तो कहाँ पर थे अपन? इलोंगेशन। तो एडिशन ऑफ अमीनो एसिड अकर्स इन 3-स्टेप साइकिल। पहला है कोडॉन रिकॉग्निशन, अमीनो एसिड tRNA मॉलिक्यूल एंटर्स द राइबोसोम एट ए साइट, एंटीकोडॉन बाइंड्स विद द कोडॉन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, दूसरा अमीनो एसिड ऑन द फर्स्ट इनिशिएटर tRNA मतलब फॉर्मल मिथियोनिन एट पी साइट एंड अमीनो एसिड ऑन tRNA एट ए साइट जॉइन बाय पेप्टाइड बॉन्ड। हियर एंजाइम राइबोजाइम एक्ट्स एज अ कैटेलिस्ट। एट दिस टाइम फर्स्ट tRNA एट पी साइट इज किक्ड ऑफ। चल निकाल। सी ट्रांसलोकेशन, डायग्राम भी दिया है, एकदम बढ़िया डायग्राम दिया है, समझ जाएगा राइट साइड में देखकर। इन ट्रांसलोकेशन द tRNA एट ए साइट कैरिंग अ डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड क्यों? क्योंकि एक नया जो अमीनो एसिड लाया था वो, और उसके ऊपर अभी फॉर्मल मिथियोनिन चिपका दिया है। प्रोकैरियोट्स का ही पढ़ रहे हैं अपन, इसलिए मैं फॉर्मल मिथियोनिन बोल रहा हूँ, यूकैरियोट्स में मिथियोनिन ही रहता है। तो दो अमीनो एसिड्स है इसलिए डाइपेप्टाइड। एट ए साइट मूव्स टू द पी साइट। अब देखो वो पी साइट की तरफ मूव नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना? tRNA पी साइट की तरफ मूव नहीं हो रहा है, रादर राइबोसोम उठकर आगे मूव होके एक स्टेप आगे मूव हो रहा है, राइबोसोमल सब यूनिट मूव हो रहा है। तो वो जैसा वो होता है ट्रेन से अपन आगे जाते रहते हैं और बाहर देखो तो अपने को लगता है कि पेड़ पौधे पीछे भाग रहे हैं बचपन में, है ना? तो पेड़ पौधे पीछे नहीं भाग रहे, एक्चुअली हम आगे जा रहे हैं, पर दिखता तो वही है कि पेड़ पौधे पीछे भाग रहे हैं। तो वैसा है, अपने को दिख ही रहा है कि tRNA पी साइट में आ रहा है जो नया वाला आया था वो, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है, राइबोसोम आगे मूव हो रहा है। ठीक है, वो तो स्टेशनरी है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इन ट्रांसलोकेशन बोथ द सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स मूव अलोंग इन रिलेशन टू tRNA एंड mRNA। हेंस tRNA कैरिंग डाइपेप्टाइड नाउ गेट्स पोजिशन एट पी साइट ऑफ राइबोसोम मेकिंग ए साइट वैकेंट। एट दिस साइट द नेक्स्ट चार्ज्ड tRNA मॉलिक्यूल कैरिंग अमीनो एसिड विल बी रिसीव्ड। During this process, first uncharged tRNA is discharged from E site. This process is repeated as amino acids are added to polypeptide. ठीक है, एक सेकंड ना, इसके पहले उसने जो बोला कि during this process, first uncharged tRNA मतलब वो फॉर्मल मिथोनिन वाला tRNA is discharged from E site. वो E site में पहुंच के वो निकल जाएगा। This process is repeated as amino acids are added to polypeptide. It takes less than 0.1 second for formation of peptide bond. Lo, third charged tRNA with its amino acid arrives at A site of ribosome. Anticodon and codon bind by hydrogen bond. Polypeptide bond is formed. Second tRNA is discharged from P site to E site and leaves the ribosome. Ab second wala niklega E site se. So the events like arrival of tRNA, amino acid complex, formation of peptide bond, ribosomal translocation and removal of previous tRNA are repeated. As ribosome move over the mRNA, all the codons on mRNA are exposed one by one for translation. ठीक है,
सिंपल एकदम। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे, दैट इज पेज नंबर 85, टर्मिनेशन एंड रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड। एट द एंड ऑफ mRNA देयर इज अ स्टॉप कोडॉन, इट इज एक्सपोज्ड एट द ए साइट, इट इज नॉट रेड एंड जॉइंड बाय एंटीकोडॉन ऑफ एनी tRNA. द रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडॉन, देयर बाय टर्मिनेटिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस. द पॉलीपेप्टाइड इज नाउ रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम डिसोशिएट एंड लास्ट tRNA इज सेट फ्री इन द साइटोप्लाज्म. mRNA also has some additional sequences that are not translated and are referred as untranslated region. मतलब वो GGG AAA. The UTRs are present at both 5' end and 3' end. They are required for efficient translation process. तो पूरा NCRT का copy किया हुआ है. Finally, mRNA is also released in the cytoplasm. It gets denatured by nucleases immediately. Hence, mRNA is short-lived. 4.6. Regulation of gene expression. It is the multi-step process by which a gene is regulated and its product is synthesized. Thus, gene expression results in the formation of a polypeptide. Gene expression process is regulated at different levels. In eukaryotes, the regulation can be at different levels, like pehla hai transcriptional level, that is formation of primary transcript. Dusra hai processing level, regulation of splicing. Tisra hai transport of mRNA from nucleus to the cytoplasm. चौथा है ट्रांसलेशनल लेवल. ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ था. रेगुलेटर ने कंट्रोल अपन कौन से स्टेप पे कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली चीजें यार इन सब स्टेप्स पे कर सकते हैं. जीन्स ऑफ अ सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. फॉर एग्जांपल, एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज इज सिंथेसाइज्ड बाय ईकोलाई. इट इज यूज फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. ठीक है, इफ ईकोलाई बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज इन द सराउंडिंग मीडियम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, देन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज इज नॉट सिंथेसाइज्ड. सो इट इज द मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट रेगुलेट एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स. मेरे को लग रहा है ये भी पूरा एनसीईआरटी की कॉपी है, ऐसा लग रहा है मेरे को, पढ़ा पढ़ा लग रहा है अभी अभी. द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ द कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट्स ऑफ जीन्स. पूरा कॉपी है एनसीईआरटी की 100%. ये लाइन मैंने एक्सप्लेन भी किया था एनसीईआरटी रीडिंग के वक्त. Now one has to understand and know the mechanism by which the organisms regulate gene expression in response to changes in the environment. If so, whether single mechanism exists for regulation of the expression of different genes or sets of genes, or different genes are regulated by different mechanisms. Certain bacteria like E. coli adapt to their chemical environment by synthesizing certain enzymes depending upon the substrate present. Such adaptive enzyme is called inducible enzymes. A set of genes will be switched on when there is necessity to metabolize a new substrate. This phenomenon is called induction, and small molecule responsible for this is known as inducer. It is positive control. ठीक है? Do you know repressible regulation of gene is seen when the end product of a biosynthetic pathway like amino acid is provided in the medium. At this time, internal biosynthesis of amino acid stops. अपन अमीनो एसिड नहीं बना सकते ह्यूमन बींग्स, लेकिन बैक्टीरिया और प्लांट्स तो बना सकते हैं ना. एनिमल्स नहीं बना सकते, पर बैक्टीरिया और प्लांट्स तो बना सकते हैं ना. वो तो ऑटोट्रॉफिक है ना, मतलब जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो और प्लांट्स. तो बैक्टीरिया को अगर अपन ने कोई अमीनो एसिड वो सिंथेसाइज कर रहा है, जैसे 6CO2 + 6H2 गिव्स अस C6H12O6 करते हैं, वैसा डीनोवो अमीनो एसिड सिंथेसिस करते हैं बैक्टीरिया. तो वो अमीनो एसिड जो वो बना रहे हैं, वो अमीनो एसिड अगर अपन ने उनको एक्सटर्नली दे दिया तो वो क्यों बनाएंगे? तो इंटरनल बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड स्टॉप्स, इट इज नेगेटिव कंट्रोल. सो द मेटाबोलाइट अमीनो एसिड टर्न्स ऑफ अ सेट ऑफ जीन्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग दैट मेटाबोलाइट. दिस इज कॉल्ड फीडबैक रिप्रेशन. ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? निगेटिव कंट्रोल बोलेंगे. निगेटिव कंट्रोल मतलब पहले वो बंद रहा था, वो आते बराबर बंद हो गया. वेरस लैकोपेरोन में क्या हो रहा है, पहले वो नहीं बंद रहा है लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाली जीन्स, लैक्टोज आने के बाद बनने लग गया. अपोजिट है दोनों, क्योंकि वो कैटाबॉलिक चीज़ है ना, और अमीनो एसिड को बनाना मतलब एनाबॉलिक चीज़ है. तो वो अमीनो एसिड अगर मिल गया तो अमीनो एसिड बनाने की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. लाइकोपेरोन अपन बाद में रीड करेंगे, ऑलरेडी 40 मिनट्स का वीडियो बन चुका है. ठीक है, इसलिए अपन मिलते हैं बाद में. गुड बाय.